गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड। आज का सब्जेक्ट है जीके। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में पाँच छः चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करे थे, आज करेंगे हम सेवन चैप्टर, यानी कि फेवरेट फूड, कि किस जानवर का कौन सा फेवरेट फूड है, तो हम उसके आज क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर है ये, तो इससे ही रिलेटिव हम क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल इज द सॉरी क्वेश्चन आंसर, जैसे कि वर्ड डज लॉयन लाइक टू ईट, यानी कि जो लॉयन है उसको कौन सा भोजन पसंद है, मीट, M-E-A-T, मीट। सेकंड क्वेश्चन, वर्ड डज बियर लाइक टू ईट, यानी कि जो भालू है वो क्या खाना पसंद करता है, द बियर लाइक्स टू ईट हनी, वो शहद खाता है ना, तो इसमें आएगा हनी। वर्ड डज रेबिट लाइक टू ईट, यानी कि जो रेबिट क्या होता है, खरगोश, खरगोश को क्या खाना पसंद है, कैरट। वर्ड डज मंकीज लाइक टू ईट, मंकी को क्या खाना पसंद है, बनाना। ऐसे ही तुम्हारे और भी आ सकते हैं, जैसे एलिफेंट को क्या पसंद है, शुगर केन। तो अब आते हैं हमारे फ्लप्स, द स्क्वायर लाइक टू ईट, यानी जो गिलहरी होती है उसको क्या खाना पसंद है, नट्स, NUTS, नट्स, यानी कि अखरोट। द डैश लाइक टू ईट शुगर केन, शुगर केन किसको पसंद है, एलिफेंट को। द डॉग्स लाइक टू ईट डैश, यानी कि डॉगी को क्या पसंद है, बॉन्स, यानी कि हड्डियाँ, उसे बॉन्स पसंद है ना, तो यहाँ पर आता है हमारा बॉन्स। तो ये आपका होता है सेकंड सेवन चैप्टर फिनिश, खत्म। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एट, देखिए बेटा यहाँ पर है मेल एंड फीमेल। मैंने आपको ये पहले बुक में कॉपी में भी नोट करा सकते, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना इसके क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि इसमें केवल क्या बताना है हमें, मेल है तो उसका फीमेल बताना है, फीमेल है तो उसका मेल बताना है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नाइन चैप्टर, जिसमें है यूज यूअर ब्रेन, यानी कि वो किस चीज़ का यूज करते हो आप अपने ब्रेन का, किस किस के लिए, जैसे मिल्क इज टू काओ एज आक्स टू, यानी कि जब हमें मिल्क हमें काओ से मिलता है तो एग हमें किससे मिलते हैं, हैंड से। तो ये आपके यहाँ पर MCQ क्वेश्चन है, जो कि आपने अपनी बुक में फिल कर रखे हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 चैप्टर, जिसमें है एक्शन वर्ड। यहाँ पर देखो पिक्चर बनी हुई है जो कि आपको लिखनी है, जैसे राइटिंग, वो क्या कर रही है, राइटिंग लिख रही है। सेकंड में देखो वो रीडिंग कर रहा है ना, तो आपने ये सभी ने फील कर रखा होगा, नहीं है तो मैं आपको इसकी फोटो भेज दूंगी, आप उसे अपनी बुकों में नोट करोगे। जब हमारी अगली क्लास होगी तो वो होगी हमारी 11 चैप्टर से, तो जहाँ आप अपना सभी अपने 10 चैप्टर तक बुक में फिल करोगे, और 7 तक के आपके क्वेश्चन आंसर सारे फेयर कॉपी में, GK की में नोट होने चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।